हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष किचन क्विक रेसिपीज। आज हम बनाने जा रहे हैं सदन फ्राई चिकन। बनाने के लिए मैंने लिया है 2 चिकन ब्रेस्ट और इसको हम पतले चकोर में काट लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से काटा है। इसी तरह से सारे चिकन को काट लें। अब इसको हम एक बॉल में डालेंगे जिसमें हमने मैरिनेट करके रखना है। और मैंने यहाँ 5 से 6 हरी मिर्च लिया है। हम इसको बारीक काटेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप और डाल सकते हैं। बिल्कुल फाइनली चॉप करना है। देखिए मैंने मैरिनेशन कर लिया। इसमें मैंने हरी मिर्ची मिलाया है। यहाँ पर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून प्याज का पेस्ट कद्दूकस करी हुई, और मैंने लिया है अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और यहाँ 1 टी स्पून नमक। विनेगर डालने से एकदम सॉफ्ट नरम होगा, एकदम चिकन मुलायम होगा। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे, उसके बाद इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप ज़्यादा भी रख सकते हैं तो मिनिमम 1 घंटे आपको रखना है। हमारे 1 घंटे होने के बाद हमने इसमें मिलाया 1 अंडा। 1 घंटे मिलाने के बाद हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। मैंने इसके साथ में लिया है ब्रेड क्रम्ब। मैंने यहाँ पर लिया है पैनको ब्रेड क्रम्ब। आप घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन बाजार वाला पैनको ब्रेड क्रम्ब आपका ज़्यादा सुंदर दिखेगा, खाने में ज़्यादा टेस्टी होगा। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से एक एक पीस लिया है। एक पीस लेना है और आपने इसको दोनों तरफ से अच्छे से लगा कर फिर दबा देना है। इसको आप अच्छे से दबाएंगे तो ये चिपक जाएगा और एकदम क्रिस्पी बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से तैयार करें, सारे चिकन में लगाएं। और उसके बाद इधर मैंने तेल गरम कर लिया है, इसमें हमने इसको फ्राई करना है। इसको गोल्डन ब्राउन करना है, क्योंकि ज़्यादा फ्राई अगर तेज़ अगर ज़्यादा तेल आप गर्म करेंगे, ज़्यादा हीट होगा तो फिर आपका जल्दी से वो लाल हो जाएगा। इसलिए आराम आराम से करिए, तब बिल्कुल कम भी ना हो। बिल्कुल कम होने पर आपके ब्रेड क्रम्ब उतर जाएगा। बीच में चेक करते रहें, उसको चलाएं। देख सकते हैं कि हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। और इसको हम सर्व करेंगे लाइट सोया सॉस के साथ। ये सदन फ्राई चिकन है तो उसके साथ में हम देख सकते हैं आप कि हमारा सदन फ्राई चिकन बिल्कुल तैयार हो गया है। और इसको अगर आप गोल बनाना चाहते हैं तो आपको इसको छोटे चकोर टुकड़ों में काट लें, उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्ब में गोल बना सकते हैं। देखिए मैं टूथपिक लगा के लाइट सोया सॉस के साथ सर्व किया है। आप भी इसी तरह से मज़ा लीजिए। अगर मेरा रेसिपी पसंद आया है तो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।